Hi there, you're watching It's Not Fake, your one-stop show from Monday to Friday that gets you the critical analysis of the top five stories of the day. Let's get started with today's headlines. एनकाउंटर में ढेर हुआ गैंगस्टर विकास दुबे, 8 दिन में विकास समेत 6 टॉप बदमाशों का सफाया, 2 जुलाई को 8 पुलिस वालों की थी हत्या। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर सियासत, अखिलेश यादव ने कहा गाड़ी नहीं पलटी, सरकार पलटने से बच गई। प्रियंका बोली अपराधी को संरक्षण देने वाले लोगों का क्या होगा। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा रोजाना 2 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, रिकवरी रेट में भी हुआ 63% से ज्यादा, देश में अब तक 7.95 लाख मामले। लद्दाख के हालात पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस रावत और तीनों सेना प्रमुखों से की चर्चा, मौजूदा हालात की दी गई पूरी जानकारी। और अमेरिका में नए वीजा नियमों से भारतीय छात्रों को हो सकती है परेशानियां, भारत ने जताई चिंता। सारी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसके पीछे का सच बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली बड़ी खबर से। और एक ही खबर जो आज सुर्खियों में सुबह से छाई हुई है वो है कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को किस तरीके से एनकाउंटर के जरिए मारा गया है। जी हाँ, आज विकास दुबे एक हफ्ते से लगातार सुर्खियों में बना हुआ था, ये गैंगस्टर की किस तरीके से इसका अरेस्ट हुआ, कल उज्जैन के महाकाल मंदिर में इसने सरेंडर किया या उसका गिरफ्तारी की गई, लेकिन आज जब मध्य प्रदेश से उसे वापस कानपुर लेकर आया जा रहा था तो सुबह ये खबरें, सुबह 7:30 बजे से ये खबरें आने लगी कि कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस ने मार गिराया है, इसका एनकाउंटर किया गया है। तो ये सारी जो खबरें आ रही हैं, एनकाउंटर विकास दुबे का हो गया, जी हाँ 9-8 पुलिस कर्मियों को विकास दुबे ने मारा था, जिसका बदला ऐसा लग रहा है कि आज यूपी पुलिस ने एनकाउंटर करके लिया है। लेकिन जिन परिस्थितियों में विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया है वो बहुत संदिग्ध है कि कैसे एनकाउंटर किया, क्या ये एक कॉन्स्पिरेसी थी, आज जवाब से ज़्यादा प्रश्न है। और जो अगर मैं आपको कुछ सिचुएशंस बताऊं जिसमें कि विकास दुबे को मारा गया है, सबसे पहली बात तो ये कि जिस गाड़ी में उसको लेकर पुलिस आ रही थी, वो ट्रांजिट रिमांड के लिए उसे वापस उत्तर प्रदेश की पुलिस लेकर आ रही थी, तो एक एस्कॉर्ट व्हीकल थी और एक गाड़ी वो थी जिसमें कि वो बैठकर आ रहा था। तो पहला जो विजुअल सारे टीवी चैनल्स और जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे दिखाया गया है कि जिस गाड़ी में वो आ रहा था, पहले वो एक विजुअल दिखाया जाता है, और जो गाड़ी पलटी है, ऐसा बताया जा रहा है कि ये गाड़ी पलट गई थी और पलटने के बाद विकास दुबे ने अपनी पिस्टल निकाली, पिस्टल निकालकर वो भागने की कोशिश कर रहा था और एक रिटेलिएशन में अपने आप को बचाने के चक्कर में पुलिस ने उस पर फायरिंग की, उसके चेस्ट में गोली मारी और इस हालात में उसका मर्डर किया गया, यानी कि उसे मार गिराया, पुलिस का ऐसा वर्जन है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि जिस गाड़ी में वो आ रहा था और दूसरी गाड़ी जो दिखाई जा रही है कि वो गाड़ी पलट गई थी, तो वो गाड़ी में चेंज कैसे हुआ, क्योंकि जिस गाड़ी में दिखाया जा रहा है कि विकास दुबे बैठा हुआ था, वो गाड़ी बदलकर वो दूसरी गाड़ी है जो टाटा सफारी जिसको दिखाया गया है कि वो पलट गई है, तो किन हालातों में ऐसे कुख्यात गैंगस्टर की गाड़ी बदली गई, पहला तो ये सवाल है। दूसरा, जो गाड़ी जिन हालातों में अपटर्न जिस उस गाड़ी ने किया, क्योंकि ना वहाँ पर कोई डिवाइडर है, ना वहाँ पर कोई स्पीड ब्रेकर है और अचानक से गाड़ी पलट जाती है। दूसरा, जो मेरी पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे भी बात हुई कि अगर आप विकास दुबे की बॉडी का आप डीलडॉल देखें तो उसका पेट थोड़ा सा निकला हुआ है, उसे चलने में दिक्कत होती है, और जो गाड़ी पलटी थी उस गाड़ी के शीशे अगर आप देखें तो वो बंद थे। तो ऐसी हालात में गैंगस्टर कैसे निकलकर बाहर आया वो भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। और दूसरा ये कि आप इतने कुख्यात गैंगस्टर को, पुलिस पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप इतने कुख्यात गैंगस्टर को लेकर एमपी से वापस उत्तर प्रदेश लेकर आते हैं, लेकिन उसके हाथों में हथकड़ी नहीं है, और अगर हथकड़ी थी तो उसने हथकड़ी को कैसे छुड़ाया, हथकड़ी से उसे कैसे बाहर वो कुख्यात गैंगस्टर निकला, तो ये सारे बड़े सवाल आज पुलिस के सामने खड़े हैं। लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि अगर विकास दुबे ने अपने आप को सरेंडर किया है या गिरफ्तार किया है तो उसे ट्रायल के लिए लेकर जाया जाएगा, लेकिन आज जो यूपी की पुलिस की जो छवि दागदार हुई है उससे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस पर
सियासत भी जमकर गर्म हो रही है, इससे जुड़ी हुई हमारी दूसरी खबर है और उसको आपको बताते हैं कि किस तरह से अलग अलग लीडर्स अलग अलग बातें विकास दुबे के बारे में कह रहे हैं कि जो ट्वीट्स आ रहे हैं, जैसे कि ओमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर है उनका ट्वीट अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं तो उनके ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि डेड मैन टेल नो टेल्स, यानी कि जो इंसान मर जाता है उसके बाद उसकी कहानी का क्या होता है उसे बताने वाला कोई नहीं है। तो सीधा साधा इशारा है कि विकास दुबे आज मर जरूर गया, उसे पुलिस ने मार दिया, लेकिन साथ में ही जिन लोगों ने उसे संरक्षण दिया था आज उनको एक्सपोज करने के लिए अब कोई नहीं बचा है। डेड मैन टेल नो टेल्स, ऐसा ओमर अब्दुल्ला ने कहा है। बीएसपी चीफ मायावती ने डिमांड किया है कि एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसमें कि ये साफ एक जुडिशियल प्रोब की मांग की गई है कि जुडिशियल प्रोब के जरिए इस एनकाउंटर की असलियत का एक्सपोजे होना चाहिए, उसका खुलासा होना चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि विकास दुबे तो मर गया लेकिन जिन लोगों ने उसको संरक्षण दिया था उनका क्या होगा, उनका खुलासा कैसे होगा। तो जो बड़े सवाल आज भी बने हुए हैं, सियासत इस पर जमकर अभी होती रहेगी और आने वाले बहुत दिनों तक होती रहेगी, क्योंकि योगी सरकार जिस तरह से पिछले दिनों बार बार इस बात को कह रही थी कि हम उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाएंगे, एक ऐसा राज्य बनाएंगे जहां पर गुंडाइज्म नहीं होगा, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सुनिश्चित रहेगा, तो आज योगी सरकार के सामने बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं कि एक ऐसा कुख्यात गैंगस्टर जिसकी 30 साल की हिस्ट्री रही है क्रिमिनल्स की, और एक क्रिमिनल हिस्ट्री उसकी 30 साल की रही है, 60 से ज़्यादा केसेस रहे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डर, गुंडा एक्ट, इतने सारे केसेस एक ऐसे गैंगस्टर के खिलाफ थे, तो उसको क्या राज्य सरकार संरक्षण दे रही थी। एक सीधा साधी जो एक बड़ी तस्वीर जो अभी तक जिस तरह से हमने एक हफ्ते से इस कानपुर मुठभेड़ के मामले को फॉलो किया है उससे एक बात साफ है कि जो क्रिमिनल्स हैं, पुलिसमैन हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं, इन तीनों का नेक्सस बहुत ज़्यादा सामने आता है। बहुत सारे सवाल बीच में खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से वो तीन राज्यों से निकलकर विकास दुबे को कैसे वो जाकर उज्जैन पहुंचा, सीसीटीवी की फुटेज में वो सामने नज़र आया फरीदाबाद के एक होटल में, कि कैसे पुलिस ने उसको जाने दिया, किस तरह से महाकाल मंदिर में उसके सरेंडर को कोरियोग्राफ किया और वापस जब उसको नेक्स्ट डे पुलिस लेकर जाती है तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक ऐसी बॉलीवुड स्क्रिप्ट लिखी गई है जिसको अच्छी तरीके से नहीं लिखा है, बहुत ही आउटरेजियस स्क्रिप्ट है। जितने भी सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं, आज बहुत सारे डीजीपीज हैं जिनसे मैंने आज फ़ोन पर बात किया और उन्होंने एक बात कही और वो यही कही कि आज पुलिस की छवि जिस तरह से दागदार हुई है उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हैं। आज पुलिस की तारीफ इस बात में होती अगर वो उसे उस गैंगस्टर को पुलिस ट्रायल के लिए कोर्ट तक पहुंचाती, लेकिन आज नहीं हुआ है, इसलिए जो एनकाउंटर कल्चर है आज उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। ह्यूमन राइट्स का एंगल तो हमेशा आता ही है, लेकिन जो एनकाउंटर कल्चर है, जिस तरीके से बाहुबली कल्चर हम देखते हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बिहार में भी बहुत ज़्यादा बाहुबली कल्चर बार बार निकल कर सामने आता है, तो अगर देखें तो विकास दुबे गैंगस्टर की जो पूरी स्टोरी है वो उसमें कोई नयापन नहीं है, बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं, लेकिन जिस तरह से योगी सरकार ने बार बार लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया कि एक हम उसको उत्तर प्रदेश बनाएंगे, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करेंगे, तो आज सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि योगी सरकार की नाक के नीचे एक इतना बड़ा गैंगस्टर पल रहा था इतने सारे केसेस को लेकर और उन्हें इस बात की हवा ही नहीं थी। तो एक साफ जो नेक्सस, एक गठजोड़ दिखता है क्रिमिनल्स का, पुलिस वालों का और नेताओं का, वो सामने नजर आता है, लेकिन आज क्योंकि विकास दुबे को मार दिया गया है तो ये बातें साफ हो गई हैं, क्योंकि इसके जो साथी थे उनको भी मारा गया है, तो ऐसे कौन से राज हैं जो छिपे हुए हैं अभी भी, क्योंकि अब वो चीज़ें सामने बाहर निकल कर नहीं आएंगी, क्योंकि जो विकास दुबे के साथी थे उन्हें भी मार गिरा दिया है पुलिस ने और विकास दुबे को खुद से पुलिस ने एनकाउंटर किया है, तो एनकाउंटर की जो लेजिटिमेसी है, इलेजिटिमेसी है, इसको लेकर सवाल खड़े होंगे, पिटिशंस दायर किए जाएंगे, ह्यूमन राइट्स का एक एंगल है, लेकिन शिवसेना का ऐसा कहना है कि आज हमें एनकाउंटर पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए, क्योंकि कितने ड्रेडेड गैंगस्टर को जब आप मारते हैं तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन सवाल हमेशा वहीं पर आकर टिकता है, चाहे आप किसी का भी एनकाउंटर करें, लेकिन जब एनकाउंटर कल्चर की बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स का एंगल हमेशा से आता है, और देखा गया है कि पुलिस और जो पॉलिटिशियंस हैं वो एनकाउंटर किलिंग्स को
हमेशा से सेलिब्रेट करते हैं, एक अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश करते हैं, और जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं वो हमेशा एक सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर किलिंग्स को लेकर कहा है कि वो अवैध है, अनलॉफुल है। लेकिन ऐसे में हमने देखा है कि हमेशा से एनकाउंटर किलिंग्स पुलिस करती आई है। तो आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इस देश से एनकाउंटर किलिंग्स का जो कल्चर है उसे हम खत्म कर सकते हैं? आज यूपी की पुलिस अपनी जो छवि है उसे साफ कैसे साबित करेगी कि उसने ये काम गलत नहीं किया? और रही बात विकास दुबे की, तो विकास दुबे आज मर गया, लेकिन इसके साथ बहुत सारे ऐसे राज हैं, वो कैसे खुलेंगे? क्या कॉल डेटा रिकॉर्ड विकास दुबे का क्या सामने यूपी की जो सरकार है वो लेकर आएगी? क्या यूपी की पुलिस कॉल डेटा रिकॉर्ड्स को सामने रखेगी? क्या हमें इस बात की जानकारी होगी कि क्या वो गिरफ्तारी थी या सरेंडर थी? तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, सिर्फ प्रोसीजर्स पर ही नहीं, पर जिन परिस्थितियों में विकास दुबे को मारा गया है, इस पर आपका क्या सोचना है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मैं अब आपको तीसरी खबर की ओर लेकर चलती हूँ, और वो खबर जुड़ी हुई है कोरोना के मामले से। कोरोना के जो संक्रमण की जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 8 लाख का आंकड़ा ऑलमोस्ट हम लोग पार करने वाले हैं, और जो डेथ्स हैं, जो मृतकों की संख्या है, वो 21,000 से थोड़ा ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं देश के, वो कह रहे हैं कि नहीं, जो सिल्वर लाइनिंग है, जो रे ऑफ होप है, वो ये है कि जो रिकवरी रेट है अपने देश का वो बढ़ गया है। रिकवरी रेट 63% हो गया है। शुरुआती दिनों में हमने देखा था कि रिकवरी रेट बहुत कम था, लेकिन आज रिकवरी रेट बढ़ गया है। लेकिन क्या हम इस बात से सिर्फ तसल्ली ले सकते हैं कि रिकवरी रेट बढ़ गया है? आज जो बड़े सवाल ये हैं कि जिस तरह से कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, आज सरकार इस बात को कहने से क्यों कतरा रही है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन देश में नहीं है? आज भी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि नहीं, अगर छोटे इलाकों में को छोड़ दिया जाए, जो कंटेनमेंट एरियाज हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो वाकई में अभी देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। ये तो रही बात भारत की, लेकिन जिस तरह से WHO ये कह रहा है कि COVID-19 इज़ एन एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, यानी कि कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है वो हवा में रहता है, तो अब अगला सवाल ये है कि अगर कोरोना हवा में है तो अब अगली नीति क्या होगी? सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि विश्व के जितने देश हैं वो क्या अपनी नीति को बदलेंगे? क्योंकि एरोसॉल ट्रांसमिशन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, चाहे वो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हों, चाहे ऑफिसेज हों, चाहे हॉस्पिटल्स हों, इन सबको अपनी गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स को बदलना होगा। और क्या ये गाइडलाइंस WHO जल्द से जल्द लेकर आएगा? क्योंकि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन एक डेंजरस ट्रांसमिशन है, और इसको लेकर गाइडलाइंस कैसे बदली जाएंगी? हालांकि जो WHO की जो इंडिया ऑफिसर है सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने कहा कि नहीं, ये वो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन नहीं है जिसे कि ये जो साइंटिस्ट हैं 32 देशों के, उन्होंने जिसको लिखा है, तो इसको लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। लेकिन क्योंकि WHO ने इसे एक्नॉलेज कर दिया है कि हाँ, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है, हवा में कोरोना है, तो इसको लेकर अब क्या रणनीति तय की जाएगी, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के सारे देशों में, उस पर हमारी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन जगह जगह भारत में अब लॉकडाउन अनाउंस हुआ है, जैसे बिहार में देखने को आया, यूपी में 3 दिन का लॉकडाउन अनाउंस हुआ है, उधर कर्नाटका के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा हैं, उन्होंने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर दिया है, क्योंकि कुछ कोरोना पॉजिटिव केसेस वहाँ पर सामने आए थे। तो संक्रमण जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, ये जाहिर सी बात है कि टेस्टिंग बढ़ रही है, लेकिन संक्रमण क्यों बढ़ रहा है, क्या हमारे देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है? बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कम्युनिटी ट्रांसमिशन की ओर इशारा किया है, लेकिन हमारी सरकार अभी इस बात को नहीं मान रही है। तो आने वाले दिन शायद हमारे लिए ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होंगे। इस पर आपका क्या सोचना है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अब अगली खबर की ओर चलते हैं। अगली खबर जुड़ी हुई है लद्दाख के हालात पर। आज रक्षा मंत्री तीनों सेना के जो प्रमुख हैं और CDS बिपिन रावत, उनसे मिलेंगे, और आज जिस बात को लेकर मीटिंग है वो डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को लेकर मीटिंग है। जो पहले फेज का जो डिसएंगेजमेंट था, जो कि कल तक की जो खबरें थी कि जिस तरीके से डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हुआ है, उसको अगर हम देखें तो पेट्रोलिंग पॉइंट्स 14, 15 और 17, यहाँ पर डिसएंगेजमेंट पूरा हो चुका है, और जिसको लेकर चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि अभी तक बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में इस डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को पूरा किया गया है। लेकिन जो सबसे स्टिकी पॉइंट है वो है पैंगोंग सो लेक का, जो यानी कि जो फिंगर एरिया में चाइनीज़ ट्रूप्स का जो प्रेजेंस है वो अभी भी बना हुआ है। डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया है, लेकिन जो चाइनीज़ ट्रूप्स की जो संख्या है फिंगर एरिया, खासकर जो फिंगर 4 और फिंगर 8 एरियाज़ के बीच में जिस तरह से चाइनीज़ ट्रूप्स का प्रेजेंस है,
उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और आज जो WMCC की जो मीटिंग है, यानी कि जो हाई लेवल की जो मीटिंग है, ये इसी को लेकर है कि पैंगोंग सो लेक, जो अभी तक सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन माना जाता है, वहाँ पर डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को लेकर किस तरीके से मॉडालिटीज तय की जाएंगी, इसको लेकर आज रक्षा मंत्री और जो तीनों सेना के प्रमुख हैं CDS चीफ बिपिन रावत, वो लेकर आज इन सारी चीज़ों को लेकर आज एक मीटिंग होगी। लेकिन जो बड़े सवाल हैं, आज भी सरकार इन चीज़ों को क्लियरली बता नहीं रही है, ना हमें चाइनीज साइड से इस चीज़ का पता चल रहा है और ना भारत की सरकार इस चीज़ को बता रही है कि इंट्रूजन कितना हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल एक रिपोर्ट थी जिसमें कि ये कहा गया था कि चाइनीज़ इंट्रूजन लगभग 1 किलोमीटर तक अंदर हो चुका है, जो एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। अगर इसका हम हिस्टोरिकल अलाइनमेंट देखें तो वो कहा जा रहा है कि हिस्टोरिकल अलाइनमेंट वो बिगड़ गया है। ऐतिहासिक रूप से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होना चाहिए उसको लेकर जो पूरी जो वहाँ की ज्योग्राफी है वो थोड़ा सा बदल गई है, क्योंकि चाइनीज़ आर्मी ने इंट्रूड किया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि नहीं, कोई चाइनीज़ इंट्रूजन नहीं हुआ है। तो अगर अब मॉनसून सेशन आता है, इसको लेकर काफ़ी बड़े सवाल खड़े होंगे। लेकिन जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड अभी पैंगोंग सो लेक का है। और डिसएंगेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो फेज्ड तरीके से इस डिसएंगेजमेंट की बात कही जा रही है कि डिसएंगेजमेंट होगा लेकिन उसको लेकर वेरिफिकेशन भी होगा, उसे वेरीफाई करेगी सरकार कि कहां कहां पर डिसएंगेजमेंट हो गया है। लेकिन फिलहाल जो चाइनीज़ एयरफोर्स था उसने अपने सर्वेलेंस को थोड़ा सा कम किया है, लेकिन ऑन ग्राउंड चाइनीज़ जो ट्रूप्स का जो प्रेजेंस है वो अभी भी कम नहीं हुआ है। 3,000 के लगभग जो चाइनीज़ सोल्जर्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं, वो किस तरीके से पीछे हटेंगे Finger 4 और Finger 8 एरियाज़ में, वो सबसे बड़ी चुनौती है। और क्या सरकार, भारत की सरकार क्या इस बात को मानेगी कि वाकई में क्या वो इंट्रूजन था या वो ट्रांसग्रेशन था, क्योंकि अभी इस चीज़ को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ है कि विल द गवर्नमेंट really admit whether it was a Chinese intrusion or whether it was a transgression. Doklam में हमने देखा था कि कितना लंबा स्टैंड ऑफ था, लेकिन जिस तरीके से खबरें छन छन कर आ रही हैं कि एक लॉन्ग हॉल के लिए भारत की जो सेना है वो अपने आप को तैयार कर रही है, क्योंकि बहुत सारी ये खबरें आ रही थी कि चाइनीज आर्मी अपने आप को जो आने वाले जो ठंड के दिन होंगे उसमें उसने विंटर स्टॉकिंग शुरू कर दी है। तो अगर चाइनीज आर्मी ने विंटर स्टॉकिंग शुरू कर दी है तो भारत की सेना अपने आप को किस तरह से तैयार करेगी, ये सारे बड़े सवाल हैं। और इस बीच में जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है वो शुरू हो गया है, पहला फेज उसका खत्म हो गया है। जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है पैंगोंग सो लेक का, वो अभी जारी है, उसको लेकर मॉडालिटीज तय की जाएंगी, उस पर हमारी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन इस पर आपका क्या सोचना है, ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और मैं अपनी अगली खबर की ओर चलती हूँ, जो आखिरी खबर है, और वो है अमेरिकी सरकार ने जो स्टूडेंट वीज़ा रूल्स में जो बदलाव लेकर आई है उससे काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि जो इमिग्रेशन कस्टम्स और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है अमेरिका की सरकार का, उसको लेकर ये जो इसमें नियमों में बदलाव दिया गया है, जो स्टूडेंट वीज़ा रजीम में बदलाव लाया गया है, उसमें ये कहा गया है कि जो छात्र सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज अभी कर रहे हैं वो अमेरिका में नहीं रह सकते, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। अब आपको बता दें कि पैंडमिक के दौरान बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो अमेरिका से वापस इंडिया आ गए थे, अब उनके सामने ये मुसीबत है कि वो वापस कैसे जाएँ। अमेरिका की सरकार ये कहती है कि अगर आपको वापस आना है तो आपको हाइब्रिड कोर्सेज में एनरोल करना होगा, जिसमें कि आपके लिए ऑनलाइन और फेस टू फेस क्लासेस दोनों का प्रोविजन होना चाहिए। तो ऐसे में जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं और विश्व के और भी जो विदेशी मूल के जो नागरिक हैं, उनके लिए बड़ी चुनौती है कि अब वो क्या करेंगे, क्या वो अपने रजिस्ट्रेशन को बदलेंगे, किस तरीके से हाइब्रिड मॉडल को अपनाएंगे। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है ट्रंप सरकार की कि किस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ को ओपन किया जाए, स्कूल्स को ओपन किया जाए। और लेकिन साथ में आपको ये भी बता दें कि ये एक पैंतरा है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का, जिस तरीके से पैंडेमिक के बहाने डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वीज़ा रूल्स में बदलाव किया गया हो, चाहे वो ग्रीन कार्ड को लेकर हो, जिस तरीके से उसको ऑन होल्ड किया गया, H-1B वीज़ास को लेकर उस प्रोसेस को होल्ड पर किया गया है, और जो अमेरिकन और मेक्सिको बॉर्डर है उसे पार्शली बंद किया गया है। तो आज बहुत सारे सवाल खड़े किए कर रहे हैं कि जो विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र मानी जाती है वो है अमेरिकन कंट्री, वो आज पैंडमिक के बहाने किस तरीके से मनमाने तरीके से वीज़ा रूल्स को बदलाव ला रही है, और इतने लाखों की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य आज अधर में लटका हुआ है। आपको बता दें कि अमेरिका में सबसे बड़ी संख्या में जो विदेशी मूल के जो छात्र पढ़ते हैं वो है चाइनीज़, और भारत के छात्रों का नंबर
दूसरे नंबर पर आता है। तो इतनी लाखों की संख्या में अब क्या करेगी भारत की सरकार, ने एक एतराज जताया है कि ये गलत तरीका है स्टूडेंट वीजा रेजीम में बदलाव लाने का। अब इसको लेकर आगे क्या फीडबैक होता है, क्योंकि ट्रंप सरकार ने कह दिया है कि स्कूल्स हैव टू ओपन फॉर द न्यू फॉल और आपको हाइब्रिड मॉडल अपनाना होगा। तो जो स्टूडेंट्स इस समय अमेरिका में हैं जो कि ऑनलाइन कोर्सेज में हैं, उन्हें क्या डिपोर्ट किया जाएगा, और जो छात्र जो भारत वापस आए हैं वो वापस अब अमेरिका कैसे जाएंगे, ये सारे बड़े सवाल हैं। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो क्या छात्रों के सामने जो आने वाला साल है, आने वाला नया सेमेस्टर है, क्या उन्हें ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक Q4 सर्वे हुआ था उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जितने भी छात्रों और जो अभिभावकों से बात हो रही है वो ये कह रही है कि कोविड पैंडमिक के चलते वो छात्रों का अगर एक साल बर्बाद होता है तो उनको होने देंगे, क्योंकि बहुत सारी हेल्थ कंसर्न्स हैं जिसको लेकर पेरेंट्स अभी रेडी नहीं हैं। तो ये सारे बड़े सवाल हैं, लेकिन स्पॉटलाइट आज इसी बात पर है कि ट्रंप सरकार किस तरीके से मनमाने तरीके से स्टूडेंट वीज़ा रेजीम में बदलाव ला रही है, और ये बदलाव कितना मनमाना है, और ऐसे में ट्रंप सरकार किस तरीके से विश्व के सारे देशों को जवाब देगा, इस पर हमारी निगाहें टिकी होंगी। और आपका क्या फीडबैक है, आप इट्स नॉट फेक के साथ बने रहिएगा। हमारी 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल @Neeru317, और आपकी स्क्रीन पर एक ईमेल आई डी फ्लैश कर रहा है, उस पर भी हमें आप लिख सकते हैं कि आपको इट्स नॉट फेक कैसा लगा। इट्स नॉट फेक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम एंड सी यू नाउ नेक्स्ट वीक ऑन मंडे। थैंक यू सो मच।